वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छी होगी। साथियों, पीएचपी की सीरीज़ में हम आगे सीखने वाले हैं MySQL को। MySQL होता क्या है, इसको हम यूज़ क्यों करेंगे, ये सारा हमने उसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था लास्ट वीडियो में। यदि वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। अब हमने MySQL को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, उसके लिए हमको किस प्लेटफार्म की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से प्लेटफार्म यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनको इंस्टॉल करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप जानते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, MySQL कमांड्स की प्रैक्टिस के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो सॉफ्टवेयर यूज़ करना बताऊँगा। पहला तो XAMPP, जो अब हमने PHP स्टार्ट किया था तब हमने XAMPP इंस्टॉल करना बताया था। यदि आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो आपको पता होगा कि हम XAMPP किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो वो वीडियो देखें और अपने सिस्टम में XAMPP या WAMP या MAMP जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी इंस्टॉल करा सकते हैं। या XAMPP सभी में चलता है, हम XAMPP इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके अंदर MySQL ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, इनबिल्ट आता है और उसके अंदर हमको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा PHP माई एडमिन का, जहाँ पे हम कोड राइट कर सकते हैं। तो XAMPP किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने XAMPP को इंस्टॉल किया हुआ है ना। XAMPP को हम रन करेंगे तो यहाँ पे आपको Apache और MySQL इन दोनों को स्टार्ट कराना पड़ेगा। यहाँ से हम इन दोनों को स्टार्ट कर लेंगे। दोनों जब ग्रीन हो जाएँ तो समझो हमारे दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर इधर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख के टाइप करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा XAMPP का, ठीक है। इसके अंदर ऊपर आप देख रहे हो इधर मिल रहा है आपको PHP माई एडमिन। जैसे मैंने माई एडमिन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा माई एडमिन का पेज ओपन हो गया। ये पेज यदि आपके पास ओपन नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रही है, इसमें अलग अलग एरर आ सकती हैं, तो जिसके मैंने ऑलरेडी वीडियो हमारे सेकेंड चैनल पर डाले हैं, आप उन एरर को किस प्रकार से रिपेयर करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे उनको, उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर गुरुजी टेक्निकल। अब देखो, जैसे हमारा ये पेज ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में इधर देख रहे हो हमें बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस बने हुए हैं, जिसके अंदर एक हमने यहाँ भी बनाया, देखो टेस्ट के नाम का मैंने एक डेटाबेस बना रखा है। हमने एक स्टूडेंट के नाम का भी डेटाबेस बनाया, जब हमने पाइथन के अंदर आपको MySQL बताया था तब मैंने स्टूडेंट के नाम का बनाया था। अब हमने यहाँ पे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर हम उसके अंदर काम करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप देखो सीधा इधर देखोगे आपको मिला डेटाबेस है ना, यहाँ पे क्लिक कराएं और यहाँ पे हमने डेटाबेस किस नाम से बनाना है वो नाम यहाँ पे डाल दें, दिख रहा है ना डेटाबेस नेम। मैं डालता हूँ यहाँ पे मान लीजिए XYZ और क्रिएट पे क्लिक करा देंगे तो एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो डेटाबेस क्रिएट हो गया। जितने भी डेटाबेस बनेंगे उनके अंदर सभी के अंदर आपको प्लस के साइन से जाके देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स बनी हुई मिलेंगी। ये टेबल्स हमने नहीं बनाई है, हमने तो स्टूडेंट्स में बनाई थी। इस डेटाबेस में यदि कोई है तो दिखा देगा, अभी नहीं है इसमें कोई भी टेबल्स, में सारी टेबल्स रिमूव कर चुका हूँ। और अभी जब हमने बनाया देखो XYZ का डेटाबेस, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ भी कोई टेबल हमारे पास नहीं बनी हुई। टेबल बनाएंगे तो यहाँ से भी टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे टेबल नहीं बनाएंगे, हम MySQL के कोड की प्रैक्टिस करके वहाँ से टेबल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर MySQL कोड कहाँ से लिखेंगे, देखो ऊपर आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी ना, SQL, हम यहाँ इसका यूज़ करेंगे। SQL का SQL के भी ऊपर क्लिक करेंगे तो अपर आपके पास यहाँ पे कोड विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम MySQL के सारे कोड करेंगे और यहाँ से भी हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए कमांड टाइप करेंगे इधर क्रिएट डेटाबेस, और जो डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं उसका क्या नाम देना चाह रहे हैं वो नाम यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूँ XYZ2 और सेमीकोलन लगा के हम यहाँ पे नीचे आएंगे। देखो थोड़ा सा नीचे आपको मिल रहा है इसे, इधर एक बटन गो, ठीक है, हम गो पे क्लिक करा देंगे और यहाँ भी एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारे पास XYZ2 के नाम से। तो हम इस प्रकार से कमांड की सारी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे SQL के अंदर आकर के, राइट। ये तो हो गया आपके पास पहला मेथड, यानी कि आपको कोई भी और अदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ XAMPP इंस्टॉल कर लें। XAMPP के अंदर आपको MySQL बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा और यहीं पर हम कोडिंग कर सकते हैं। अब दूसरा, हम एक और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेना चाहें जिसका नाम है MySQL Workbench, तो वो भी बता देता हूँ। उसके लिए हम देखो यहाँ पे चले जाएंगे, एक नई टैब ओपन करा लेता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा MySQL.com को, तो MySQL.com हमारी इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, ओपन हो रही है।
यहाँ से आप सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर लें। डाउनलोड्स के अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है माई सीक्वल कम्युनिटी डाउनलोड्स, है ना, इस पर चले जाएँ यहाँ से। और यहाँ पे हमने करना है माई सीक्वल वर्क बेंच को। तो ये एक माई सीक्वल का खुद का अपना एक ग्राफिकल टूल है, हम इसको यहाँ से ओपन करा लेंगे। और इसको अपने सिस्टम के अनुसार कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुन सकते हैं। आप उबंटु चला रहे हैं, मैक चला रहे हैं या लिनक्स। मेरे पास विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए देखो जैसे यहाँ पे इसने रीड किया, विंडोज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करके दे दिया इसने, ठीक है। यहाँ से हमने विंडो 64 बिट या 32 बिट के लिए यहाँ पे चुन के और उसको हमने यहाँ से सीधा सीधा डाउनलोड करा लेना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं देखो पूछ रहा है लॉगिन के लिए या साइन अप के लिए। हमने लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, हम विदाउट लॉगिन साइन अप के भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा आप देखोगे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करा लेंगे और हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग के अंदर ये मात्र 46 MB का दिखा रहा है, अभी डाउनलोड हो जाता है बस 5-7 सेकंड में। देखो यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुकी फाइल, मैं पहले भी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ लेकिन शायद मैंने इंस्टॉल नहीं किया होगा, फिर भी पता चल जाएगा इंस्टॉल है कि नहीं है। हम सीधा इसको ओपन करा लेंगे, जिस भी लोकेशन पर ये आपकी डाउनलोडिंग फाइल हो वहाँ पर जाके इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंस्टॉलेशन सेटअप विजार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे। देखो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए कह रहा है मॉडिफाई, यदि इंस्टॉल नहीं होता तो ये यहाँ पे नहीं मिलता आपको, ये सीधा यहाँ पे आपको नेक्स्ट के लिए पूछ रहा होता है ना। तो हमने इसको मॉडिफाई करा देना है, नेक्स्ट करा लेंगे, फिर से नेक्स्ट करा देंगे। इस प्रकार से हम इंस्टॉल करके इसको फटाफट इंस्टॉल करा लेते हैं। देखो इंस्टॉल हो गया, इतना समय नहीं लगता इंस्टॉल होने में, फिनिश करा देंगे। इसको ओपन करा लेते हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच, देखो ये रहा पर आ गया, ओपन कर लेंगे। वैसे इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भी आ गया होगा। हम सीधा इसको ओपन करते हैं यहाँ से, तो इसका इंटरफेस लगभग देखो इस प्रकार से आपके पास ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे दिख रहा है माई सीक्वल कनेक्शन, है ना। यहाँ पर एक कनेक्शन मैंने बनाया हुआ है, ये कनेक्शन किस प्रकार बनाएंगे देखो। यहाँ से फिलहाल तो मैं पहले इस कनेक्शन को मैं डिलीट करा देता हूँ, कर दूंगा मैं डिलीट कनेक्शन और डिलीट। फिर से मैं बनाना बताता हूँ कि यहाँ पे अपना नया कनेक्शन किस प्रकार से बनाएंगे। आप यहाँ पे इसी के ऊपर देखोगे एक प्लस का साइन दिख रहा है, इसी प्लस के साइन पे क्लिक करा लेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कनेक्शन नेम, मैं यहाँ पे कनेक्शन नेम डाल दूँ गुरुजी, वही डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं डिलीट कर दिया, फिर से आपको बनाना बता रहा हूँ। उसके बाद कनेक्शन मैथड, ये भी आपने ये रखना है स्टैंडर्ड TCP/IP, होस्ट नेम भी, पोर्ट ये भी हमने चेंज नहीं कराना है, सेम रखना है, यूजर नेम भी सेम रखना है। हालांकि ये आप चेंज कर सकते हैं लेकिन इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, बाकी बाद में चेंज करना बता देंगे, फिलहाल आप सेम रखें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। पासवर्ड के लिए स्टोर इन वैलेट के लिए हम पासवर्ड स्टोर करना चाहें या ना करना चाहें तो यहाँ से हम पासवर्ड स्टोर करा सकते हैं, मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला हुआ है। पासवर्ड डालना चाहें पासवर्ड लगा सकते हैं, वरना इसको हम ऐसे भी हम कर देंगे ओके यहाँ से, ठीक है। तो आप देखोगे एक कनेक्शन बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और बाय दी वे यहाँ भी आपके पास एरर आती है, आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे पासवर्ड जरूरी होता है कि भाई पासवर्ड रिक्वायरमेंट है, आप पासवर्ड डालें तो ही कनेक्शन क्रिएट होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पासवर्ड के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, आपके पास जो विंडो हुई थी पासवर्ड के लिए वहाँ पर पासवर्ड नहीं डालना है आपने, आपने सीधा जहाँ पर आपने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है ना वहाँ पर चले जाएंगे। मैंने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है सी पार्टीशन के अंदर, देखो ये रहा सी के अंदर जैम्प है ना, इसी को ओपन करेंगे और इसमें आपको मिलेगा PHP MyAdmin, मिल रहा है, इसको खोलेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे हमको मिलेगा एक यहाँ पे config.inc, देखो ये रहा config.inc, इसके ऊपर यहाँ पे आपने राइट क्लिक कराना है और कर लेना है ओपन विद नोटपैड। देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑथेंटिकेशन टाइप एंड इन्फॉर्मेशन, है ना, इसी के अंदर आपको सर्वर के अंदर मिल रहा है पासवर्ड, देखो पासवर्ड ब्लैंक है, मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला है। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, कोई भी पासवर्ड डालना चाहे यहाँ पे पासवर्ड डाल दें और उसको करा दें फाइल को सेव, ठीक है, सेव करा के बाहर आ जाएं वापस से, क्लोज करा दें सारी चीज़ें और अपने जैम्प सर्वर को एक बार स्टॉप करा दें और दोबारा से हम वापस से Apache को और MySQL को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर से हम कनेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पर कनेक्शन अब आपका क्रिएट हो जाएगा। अब जो कनेक्शन हमारा बन गया है इसी कनेक्शन के ऊपर हम यहाँ पर डबल क्लिक यूज़ करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक यूज़ करेंगे तो देखो आपके पास एक एडिटर आ जाएगा, यही होगा हमारा सीक्वल कोड लिखने के लिए एडिटर,
यहीं पे हम कोड्स लिखेंगे और यहीं पे हम कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमने डेटाबेस बनाए थे वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हमने एक्स वाई जेड बनाया था और एक्स वाई जेड टू बनाया था, तो वो डेटाबेस भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप इन किसी डेटाबेस में टेबल बना के काम करना चाह रहे हैं, आप MySQL की कमांड चला के देखना चाह रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनमें कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके पास यदि डेटाबेस नहीं दिख रहे हैं तो कैसे देखेंगे इनको, आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो इधर आपको दिख रहा होगा, देखो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और एक दिख रहा है यहाँ पे स्कीमास। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो रखी होगी, यहाँ पे आप अपने डेटाबेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उनका बैकअप लेना है, क्या क्या करना है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपको मिलेगा। और स्कीमास के अंदर आपने जितना भी डेटाबेस क्रिएट करे होंगे या क्रिएट करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। अब मान लीजिए मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे यहाँ पे ड्रॉप स्कीमा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप नाउ। तो देखो वो डेटाबेस हमारा क्लियर हो गया, इसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा तो इसको भी मैं यहाँ से उसी प्रकार से ड्रॉप स्कीमा करके ड्रॉप नाउ करा देता हूँ। अब यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे डेटाबेस, उसके लिए यहीं पर आएंगे हम, देखो कमांड हमने यहीं पर प्रैक्टिस करनी है सारी MySQL की, तो यहीं पर हम वो कमांड लिख देंगे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम एक्स वाई जेड फिर से यही रख लेते हैं, सेमीकोलन यूज़ करेंगे और इसको हम रन कराएंगे। देखो यहाँ पे ये है रन का बटन है ना, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कराता हूँ मैं एग्जीक्यूट पे, देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, सही से एग्जीक्यूट हो गया। कैसे, हमको कहाँ से पता चलेगा, आप नीचे देखोगे इस विंडो के ऊपर है ना, इस विंडो को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लो, देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखा रहा है टिक मार्क, इसका मतलब कि हमारी कमांड जो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस एक्स वाई जेड थी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। यदि ये रेड कलर में आता है तो कुछ एरर है, हमने गलत से कमांड लिखी है, और यदि ग्रीन आता है तो समझो कि हमारी कमांड सही से एग्जीक्यूट हो गई है। अब वो डेटाबेस तो नहीं आया, देखो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ, देखो आ गया। तो आप यहाँ पर भी MySQL की कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया था XAMPP के अंदर जाके SQL के अंदर भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वापस से हम इसको मैं क्लोज़ करा देता हूँ और ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पे मैं होम पे चलता हूँ, होम पे नहीं बैक हो जाते हैं, उसके लिए भी हमको MySQL के ऊपर ही आना पड़ेगा। ये वाली वेबसाइट ओपन होगी आपके पास जो फ्रंट में ओपन हुई थी, MySQL.com, ठीक है। यहाँ से हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है MySQL कम्युनिटी सर्वर। उसके लिए वापस से डाउनलोड पे जाएंगे और नीचे हमको देखो वही बटन मिल रहा है, इसी बटन पे आ जाएंगे, इसी पे हम क्लिक करा लेंगे। और यहाँ से जहाँ हमने किया था अभी MySQL के लिए, हमने MySQL वर्कबेंच लिया था, उसी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मिल जाता है हमको ये रहा MySQL कम्युनिटी सर्वर। लेकिन ये जो MySQL कम्युनिटी सर्वर है ये अकेले काम नहीं करता, ये हमारा उसकी जगह काम करेगा। यदि आपके पास XAMPP नहीं है, आपने XAMPP इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, और इसके साथ हमको ज़रूरत पड़ेगी वापस से MySQL वर्कबेंच की। तो वर्कबेंच हमने आपको बता ही दिया कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है। अब इसको भी हम उसी प्रकार से सिर्फ क्लिक करेंगे, और आपके पास कौन सा वर्ज़न है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, उस वर्ज़न के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सीधा सीधा उसको डाउनलोड कर लें। मैं विंडोज 64-bit के लिए यहाँ पर क्लिक करा दूँ, सीधा इंस्टॉलर ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे क्लिक कराऊँगा ये उसी प्रकार से डाउनलोड के लिए कहेगा, हमने साइन इन नहीं करना है, तो सीधा हम यहाँ पे करा सकते हैं क्लिक, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद उसी प्रकार से सिंपल स्टेप के साथ आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले इसको इंस्टॉल करें MySQL कम्युनिटी सर्वर को, और फिर हम MySQL वर्कबेंच को भी इंस्टॉल करेंगे और उसमें अपना कनेक्शन बनाएंगे, जैसे हमने अभी आपको उसमें कनेक्शन बनाना बताया, ठीक है। तो जब हम आगे प्रोग्राम करना सीखें उससे पहले आप ये दोनों सॉफ्टवेयर में से कोई भी एक अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखें प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम आपको कोड बताएं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें आसानी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।